दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपना होम टाउन दिखाने वाला हूँ, जिसका नाम है बैरगनिया। बैरगनिया बिहार के सीतामढ़ी ज़िले के अंतर्गत आता है और ये बैरगनिया शहर देखने में काफ़ी छोटा है, लेकिन यहाँ पे बिजनेस काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। जैसे कि आप इस मार्केट में कोई बड़ा सा कपड़ा का व्यापारी जो कि होलसेल में डील करता है, वो अगर ढूंढना चाहें तो इजी तरीके से मिल जाएंगे। बर्तन के होलसेलर ढूंढना चाहेंगे वो मिल जाएंगे। आपको इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक या जो भी आइटम का होलसेलर ढूंढना चाहें वो आपको इजी तरीके से इस बैरगनिया में मिल जाएगा। बैरगनिया को बहुत ही खास बनाता है यहाँ का नेपाल का बॉर्डर। नेपाल का बॉर्डर यहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर है। अगर आप पैदल जाना चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं नेपाल में, या आप गाड़ी का सहारा लेना चाहते हैं, गाड़ी से जाना चाहते हैं किराए के गाड़ी का, तो यहाँ से टेम्पू वगैरह जो है पटेल चौक से नेपाल के लिए छूटती है, जो कि आपको किराया 20 से 25 रुपया चार्ज करते हैं। तो नेपाल यहाँ से काफ़ी करीब है, तो नेपाल के लोग भी, जैसे हम लोगों का नेपाल से रोटी और बेटी का जो रिश्ता रहता है, तो ये चीज़ है यहाँ पे लागू हो जाता है। तो रोटी और बेटी के चक्कर में यहाँ से रिश्तेदारी भी कई सारे लोग नेपाल में करते हैं, नेपाल के लोग भी इंडिया में रिश्तेदारी करते हैं। तो इससे हो गया आपका बेटी का संबंध, और रोटी का संबंध कैसे है, तो नेपाल के लोग ज़्यादातर सामान की खरीदारी, जो रोज़मर्रा की खरीदारी हो या शादी विवाह में जो भी आइटम अगर कुछ देने वाला होता है, जो बड़ा ख़रीदारी है, वो सभी खरीदारी करने के लिए लोग हमारे यहाँ यानी कि बैरगनिया में आ जाते हैं और वहाँ पे ख़रीदारी करते हैं, जो कि काफ़ी सस्ता पड़ जाता है उन लोगों को। तो काफ़ी सस्ता पड़ने की वजह से एक दूसरे को लोग यहाँ पर खींच कर लाते हैं कि चलिए इस मार्केट में काफ़ी सस्ता सामान मिल जाएगा और कम पैसों में ज़्यादा सामान मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये इस मार्केट में आपको जो है कि हर एक आइटम, यानी कि अगर रोज़मर्रा वाली ज़िंदगी जैसे कि दाल चीनी चावल या जो कुछ भी हो, कपड़ा लत्ता, ये सभी चीज़ें नेपाल के तुलना में इस जगह, यानी कि ये इंडिया है और इस जगह पे आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिल जाता है। एक तो हो गया अपना जो है कि भंसार वगैरह जो होता है, वो ऐसे अपने यूज के लिए जो कपड़ा लेकर जाते हैं लोग, तो उस पर भंसार वगैरह नहीं देना पड़ता है। और वही अगर कोई व्यापारी नेपाल में अगर थोक में मंगाता है ज़्यादा क्वांटिटी में, तो भंसार लग जाता है उसका, कस्टम जो है वो कस्टम चार्ज लग जाता है, इसके वजह से वहाँ पे महंगा पड़ जाता है। लेकिन कोई ऐसा आइटम जो है वो नेपाल में सस्ता भी है, तो हमारे इंडिया के लोग भी नेपाल में आ जाते हैं मार्केटिंग करने के लिए। तो यहाँ से कुछ सामानें जो है वो सस्ती और अच्छी भी होती है इंडिया के मुकाबले, तो वो चीज़ें खरीदने नेपाल में आ जाते हैं और नेपाल के लोग हमारे इंडिया में चले जाते हैं। इस तरह से जो ये संबंध है ये बहुत ही दिनों से चलता आ रहा है, और उम्मीद करते हैं हम आगे भी ऐसा संबंध बना रहे, इससे भी संबंध जो है मजबूत बनता चले हमारे और इंडिया और नेपाल के बीच में। तो दोस्तों, अभी आप जो देख रहे हैं ये जो गलियाँ हैं, इस गली में मैंने अपना बचपन गुजारा है, इस गलियों में अक्सर आना जाना रहता था मेरा, क्योंकि यहाँ पे आगे में आपको जो है कि शिवालय मंदिर देखने को मिलेगा। शिवालय मंदिर में क्या होता था, दरअसल हम जब पढ़ते थे, जब पढ़ाई होता था मेरा, जब बचपन की बात मैं बता रहा हूँ, तो दुर्गा जी का जो है दशहरा के अवसर पे दुर्गा जी का मूर्ति बनता था। तो मैं सुबह खाना पीना खा करके जब स्कूल आता था तो एक चक्कर यहाँ पे लगा देता था कि दुर्गा जी का जो मूर्ति है वो कहाँ तक बना, कैसा प्रोसेस है, ये सभी चीज़ें देख लेता था। तो इन गलियों को मैं काफ़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ। उस वक्त जो है से कि बहुत ही यहाँ पर कम दुकानें थी, लेकिन अभी जो है दुकानें बढ़ गई हैं। वही वजह है कि नेपाल के लोगों का आवागमन है, रस है यहाँ पे। और आगे आपको बताते चलूँ, अगर आप इस टाउन से बिलोंग करते हैं, अगर बैरगनिया से बिलोंग करते हैं और प्रॉपर रहते हैं वहाँ पे, तो एक आवाज़ आप लोगों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि नेपाल से जो भी हमारे अतिथि के सामान जो कस्टमर आते हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे एक अच्छी पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए, जो कि नहीं है। मैंने देखा है कि वहाँ पे बाइक वगैरह है या फोर व्हीलर है, जो भी है, पार्किंग की सुविधा नहीं है। तो ऐसे में उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, कहाँ गाड़ी लगाए देख रहे हैं, रोड पे ही लोग लगाए हुए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक व्यवस्थित तरीके से हो। आप वहाँ के लोकल जो है से कि जो भी प्रतिनिधि है उनसे मांग रखना चाहिए, ताकि बैरगनिया का और अच्छे तरीके से विकास हो सके। तो वहाँ पर आपको जो है पार्किंग का व्यवस्था दिलवा देना चाहिए, और साथ ही साथ एक अच्छे से
पब्लिक टॉयलेट यानी कि सार्वजनिक शौचालय जो है ये भी ज़रूरी है। मान के चलिए कोई अगर ख़रीदारी कर रहा है, ख़रीदारी करते करते उनको अगर थोड़ा सा वाशरूम की तरफ जाना पड़े तो मतलब यहाँ पे ओपनली सीधे दुकानदार लोग बोल देते हैं कि जाइए स्टेशन के पास कर लीजिएगा, ये बहुत बुरा लगता है। मैं भी इस जगह का हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि हाँ बैरगनिया का और अच्छे तरीके से विकास हो, बैरगनिया का जो है ऐसे कि नाम लोग विश्व स्तर पर लेकर के जाएँ यहाँ के प्रतिनिधि लोग, क्योंकि विकास का नमूना यहाँ पे है, अगर बनाना चाहें तो बन सकता है, जगह काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वीडियो का मेरा मेन मतलब यही था कि चैनल पे जो है से कि काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, जब मेरा 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुआ था तो यहाँ के लोग भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किए हुए थे मुझे 1000 सब्सक्राइबर दिलवाने के लिए। तो ये वीडियो खास उनके लिए है कि जो बैरगनिया के निवासी रहते हुए भी बाहर में रहते हैं और बैरगनिया को देखना चाह रहे होंगे। एक दो कमेंट 1-2 साल पहले ही आया था कि बैरगनिया का 1-2 ब्लॉग और डालिएगा, तो मौका नहीं मिल पाया। अभी मैं फ़िलहाल 1 महीने पहले गया था, सोचा कि एक वीडियो बना लूँ, हालांकि 1 दिन में जा कर के आना ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। अभी देख रहे हैं 3 बज गया, मैं अपने घर जाऊंगा और वहां से फिर तैयार होकर मुझे फिर नेपाल के लिए आना है, तो ये चीज़ें हो जाती है। और आगे मैं देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया है। एक समय था बैरगनिया यहीं तक सीमित था, ये लास्ट जो है ये बैरगनिया कहलाता था और यहाँ से आगे बिल्कुल खाली जगह था। अभी देख रहे हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर जो है मकान वगैरह बन गया, डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर। आगे सड़कें भी है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधार हो चुकी है, पहले जर्जर सड़कें थी, अभी जो है से काफ़ी ज़्यादा सुधार हो गया सड़कों में। तो ये सभी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, विशेष करके आप जो है यहाँ पे पार्किंग, जो नेपाल से जो कस्टमर आते हैं जिनसे हमारी आमदनी होनी है, इन सभी चीज़ों को आप ध्यान दीजिए, पार्किंग वगैरह का सुविधा जो है वो दिलवा दीजिए और एक व्यवस्थित तरीके से बैरगनिया को आगे बढ़ाइए। अभी एक भी मॉल मॉल नहीं था कुछ समय पहले जब मैं रहता था, इसी के आसपास में मेरा स्कूल हुआ करता था, तो स्कूल अभी नहीं है, टूट चुका है। यहाँ पे 2-3 मॉल ऑलरेडी है और आगे और सुनने को आता है कि यहाँ पे और भी मॉल का जो है डेवलपमेंट होने वाला है। तो ये इस नज़रिए से देखा जाए, नेपाल के काफ़ी करीब ये शहर है, तो इस नज़रिए से देखते हैं तो अगर अगल बगल में आपको कहीं पे अगर आपका पैसा है, अगर चाहते हैं इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए, तो इस साइड में अगल बगल में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पैसा अगर ज़मीन में लगाते हैं तो आने वाले समय में ये सारी ज़मीनें जो है वो अभी अभी सोना उगल रही है, आने वाले समय में आपको हीरा उगलते हुए दिखाई देगा, बस कुछ समय की बात है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट का पैसा है, अगर पैसे का कोई टेंशन नहीं, तो अगल बगल आप थोड़ा सा जो है ऐसे ज़मीन में वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस यही कहना था, आज का वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो बस वीडियो को इतना ही रखेंगे। अब वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद, और हाँ अगर आप बैरगनिया का निवासी है और इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी बैरगनिया को देख सकें। ठीक है, धन्यवाद।